या तो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू गिवन. ओरिजिन से मेन पोजिशन से ए बाई टू तक जाने में हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी. तो ये इक्वेशन लिखी हमने, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. एक्स की वैल्यू ए बाई टू पुट कर दी. ए गेटिंग कैंसल्ड, लेफ्ट साइड में वन बाई टू आ गया, राइट साइड में साइन ओमेगा टी. वन बाई टू इज वैल्यू ऑफ साइन थर्टी विच कैन बी रिटन साइन पाई बाई सिक्स. ठीक है, साइन हट जाएगा दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड में पाई बाई सिक्स, राइट साइड में ओमेगा टी. एंड पाई बाई सिक्स एज इट इज, ओमेगा टी कैन बी, ओमेगा कैन बी रिटन टू पाई बाई कैपिटल टी. दिस इज अ रिलेशन वी हैव नोन, टू पाई बाई टी इन टू स्मॉल टी. तो पाई गेटिंग कैंसल्ड विल गेट टी विल बी इक्वल टू कैपिटल टी बाई ट्वेल्व. टाइम पीरियड का वन ट्वेल्थ ऑफ द टाइम इट विल टेक फ्रॉम मीन टू ए बाई टू. ठीक है, यस. Clear to everyone? Yes, sir. You can note down. If anybody has a difficulty, you still can ask. Koi point if you have missed it. You can ask. Can I ask you one oral question also? But you don't have to do. You can just so, tell me. Yeah. So the fifth step. Which one? So the fifth step. Ye wala. Ye wala. Yes, sir. This one. So 1/2 sine 30 ki value 1/2 hoti. And 30 can be written pi by 6 because pi is 180. 180 by 6 is 30 degree, but degree is not there as a unit. Pi ke radian ke terms mein likhna padta hai yahan par. To pi by 6. To sine sine hat jayega idhar. Idhar to same as it is. Isko 1/2 ko dekho. Sine 30 degree is nothing but sine pi by 6. It is 1/2. तो 1/2 को हमने साइन पाई बाई सिक्स लिख दिया. साइन हट जाएगा दोनों तरफ से, अभी फिर सॉल्व कर लिया. गॉट इट? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? ईशान आर यू देयर? Yes, sir. ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. I'm getting it. Yes, sir. Okay. तो ये बताओ, चलो अभी ओरली बताना है. O, I mean, or zero to a by up to extreme point, mean to extreme point तक आने में कितना time लगेगा यहाँ तक आने में? Full amplitude cover करने में कितना लगेगा? उसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इससे भी लिख सकते हैं. यहाँ पर ए आ जाएगा, फिर वन आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा. यहाँ पर वन मीन्स पाई बाई टू मीन्स कितना होगा? टी बाई फोर. यस, टी बाई फोर हो जाएगा. वन फोर्थ ऑफ द ऑसिलेशन. देखो यहाँ से यहाँ तक 1/4 टी बाई फोर लगेगा, फिर टी बाई फोर इधर, फिर टी बाई फोर इधर, फिर टी बाई. तो कंप्लीट ऑसिलेशन में टी होता है. तो इट इज 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट, मीन टू द एक्सट्रीम पॉइंट. और इससे भी निकाल सकते हैं. तो ए बाई टू यहाँ से कितना टाइम लगेगा? ए बाई टू तो यहाँ तक टी बाई फोर हो गया यहाँ तक आने में, और यहाँ तक आने में टी बाई ट्वेल्व हो गया. तो रिमेनिंग हाफ एम्पलीट्यूड विल बी कवर्ड टी बाई फोर माइनस टी बाई ट्वेल्व
how much it will come? T by 6. So first half complete karne mein T by 12. Next half complete karne mein double time T by 6 aayega. Next half nikalne ke liye yahan se yahan tak nikalna padega T by 4 aayega. Usme se T by half amplitude ka minus karna padega. So next half T by 6. ठीक है. तो बिकॉज पार्टिकल्स स्लो डाउन, यहाँ पे फास्ट रहता है मेन पोजिशन पे, स्पीड इज मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाता है. तो नेक्स्ट हाफ इंटरवल में नेक्स्ट ए बाई टू कवर करने में उसको डबल टाइम लग जाता है. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे शायद मैंने नीचे लिखा भी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है, देखो एक्सट्रीम पॉइंट तक टी बाई फोर लगेगा, दोनों का डिफरेंस निकाला टी बाई सिक्स आ गया. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी में, नहीं फर्स्ट ए बाई टू तक आने में उसको टी बाई ट्वेल्व लगता है, ए बाई टू से यहाँ तक आने में टी बाई सिक्स. तो रेशियो इज 1:2, है ना. इधर की जो जर्नी है इक्वल डिस्टेंस की लेसर स्पीड से होती है. ठीक है. तो ये यूजफुल रिलेशन है दोज गोइंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, उनके लिए टाइम सेविंग हो सकता है. ये पहला वाला 1/12 आया ए बाई टू तक, और ए बाई टू से ए तक टी बाई सिक्स आता है. रेशियो इज 1:2. तो दिस यूजफुल इंफॉर्मेशन यू कैन नोट डाउन दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. ठीक है. गॉट इट. यस सर. ओके. तो दिस वाज अबाउट डिस्प्लेसमेंट. Now we can see the velocity of the SHM. So velocity of SHM कैसे निकालेंगे? Let's see. Okay, graph. हाँ, velocity का ये देखो. How to get the velocity in SHM? बोलो. Velocity कैसे निकालेंगे? बोलिए. Velocity in any motion can be found out. क्या चीज? बोलिए. Velocity in any motion can be found out how? Can somebody? Sir, the average velocity is the change in speed. Average velocity is displacement upon time, but we are not talking about average velocity. We are talking about the velocity which is instantaneous velocity. Sir, at any point of time. हाँ, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन. तो वेलोसिटी इज डीएक्स बाय डीटी, वी इज रेट ऑफ, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट. तो रेट मतलब डिफ्रेंशिएशन. व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट, it means you are going to do some kind of differentiation there. ठीक है. तो let's see differentiation. तो v निकालने के लिए dx by dt करना पड़ेगा. ठीक है. तो x का function क्या है? a sin omega t. इसको differentiate कर सकते क्या हम लोग? Yes. पहले तो constant को आगे shift कर लो. a d dt of साइन ओमेगा टी. क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? बोलिए. साइन का क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है ना. कॉस ओमेगा टी हो जाएगा. और ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ओमेगा इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, तो वो बाहर आ जाता है. कांस्टेंट विल कम आउट. सपोज इफ आई टेल यू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x, 2 इज द कांस्टेंट, तो इसका आएगा 2 बाहर निकल जाएगा और होल थिंग विल बिकम कॉस. ऐसा हो जाएगा. तो यहाँ पे ओमेगा बाहर आ गया एंड साइन विल बिकम कॉस. तो ये कॉस का फंक्शन बन गया, ये वेलोसिटी का. एक मिनट. तो ये एक रिलेशन मिल गया आपको टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में ये रिलेशन बन गया, है ना. एक मिनट, थोड़ा सा गैप बना लो. ठीक है. तो एक तो ये रिलेशन मिल गया आपको, इसका ग्राफ कॉस फंक्शन है,
कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है. व्हेन टी इज जीरो कॉस जीरो विल बी वन, वी विल बी ए ओमेगा. तो यहाँ ए ओमेगा से स्टार्ट होगा, गो डाउन बिकम जीरो, गो टू निगेटिव साइड, देन अगेन जीरो एंड देन गो टू पॉजिटिव साइड, लाइक दिस इट चेंजेस. तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये हो गया. बट समबडी में से नो, एक्स के टर्म में भी हमें वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए. पोजिशन अकॉर्डिंग टू पोजिशन हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग एट सो एंड सो पोजिशन व्हाट विल बी द वेलोसिटी. तो कन्वर्ट कर लेते पोजिशन के लिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसी को कन्वर्ट करते, इस इक्वेशन को एक्स के टर्म में लेके आएंगे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में. तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, साइन के फंक्शन में डिस्प्लेसमेंट है. तो क्या करेंगे, इसको पहले हमने रूट के अंदर शिफ्ट किया ए एंड कॉस वाले टर्म को, तो स्क्वायर हो जाएंगे है ना. और कॉस को ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन से कन्वर्ट किया साइन में, वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया. ए को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ गया. बट व्हाट इज दिस टर्म, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज व्हाट, इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर पोजिशन स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर. तो इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे. नाउ वी विल हैव दिस रिलेशन. तो अगर हमें पोजिशन के टर्म में वेलोसिटी निकालनी है, पोजिशन दी है तो वेलोसिटी निकालनी, तो ये रिलेशन. टाइम दिया है वेलोसिटी निकालनी, तो ये रिलेशन. गॉट इट? यस सर. तो दिस इज द वेलोसिटी इन एसएचएम. सपोज यू फाइंड सडन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन लाइक दिस, तो यू विल से इट इज मूविंग इन द एसएचएम, इट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन एंड दैट आल्सो एसएचएम. यहाँ पे साइन कॉस की जगह साइन भी हो सकता है. अगर डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन कॉस में है तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगी. बट साइन एंड कोसाइन फंक्शन कैन रिप्रेजेंट द एसएचएम दैट आल्सो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी. ये तो कांस्टेंट है यहाँ पर. और इस टाइप की इक्वेशन भी एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी की इक्वेशन. इसका ग्राफ कैसा आएगा, वेलोसिटी एंड एक्स के ग्राफ. अगर मैं बोलूं यहाँ पे वेलोसिटी है यहाँ पे एक्स है, कैसा ग्राफ आएगा. मैथ्स स्टूडेंट कैन से थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बट यू कैन थिंक एंड टेल मी. डू यू वांट टू नो? यस. तो देखो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर लो दोनों साइड में. आई थिंक आई हैव रिटन समवेयर, यहाँ पे है क्या, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है मैंने. देखो ड्रा द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स इन एसएचएम. तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है. दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कैन बी वेरी यूजफुल. देखो इसको क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया हमने. तो इधर वी स्क्वायर हो गया, ये रूट हट गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया. ओमेगा को नीचे शिफ्ट कर दिया, ये आ गया. ठीक है. और अभी क्या कर रहे हैं, इसको हमने एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे पहले. लेट मी राइट स्टेप बाय स्टेप. तो ये क्या है, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को इधर ले आए तो पॉजिटिव हो गया ए स्क्वायर. नाउ ए स्क्वायर से भी डिवाइड कर देंगे, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे वन हो जाएगा. ठीक है. तो इस दिस टाइप ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट द पैराबोला. ऐसा कुछ इक्वेशन है हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, है ना, कुछ y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, नहीं वाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. इलिप्स, सॉरी इलिप्स पढ़ा था केपलर्स लॉज में. यस सर. विच वाज रिमूव, डिलीटेड पार्ट था वो, फिर भी मैंने करा दिया था आपको केपलर्स लॉ में. ठीक है. तो दिस इज इलिप्स, ओवल शेप रहता है, ऐसा ग्राफ आता है. तो दिस कैन बी यूजफुल फॉर नीट एंड जेई. ऑल राइट.
बट इसके क्वेश्चंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक में. मीन देर आर फ्यू क्वेश्चंस गिवन फॉर दिस रिलेशन, वी विल डू इट. यहां तक ओके? यस सर. ओके, तो यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट दिस वन आल्सो, अदरवाइज यहां तक वेरी इंपॉर्टेंट. Can we find out ये relation use करके maximum velocity and minimum velocity निकाल सकते हैं इस equation से? At what position maximum velocity and minimum velocity? So that's what we are going to use it now using this relation. ठीक है, done. Noted. Okay. Yes. So, देखो इसको, yeah. What? Find the maximum velocity, maximum and minimum velocity, both in maximum and minimum velocity, maximum and minimum velocity in SHM and where it is obtained. So मिनिमम के लिए क्या करेंगे, पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं ना. मैक्सिमम के लिए अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाए, दिस टर्म विल हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी, माइनस वाला टर्म अगर जीरो हो जाए तो इट विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी. तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट विल बी एट मीन पोजीशन. एक्स इज इक्वल टू जीरो कहाँ पर होता है? मीन पोजीशन पे होता है. Velocity will be maximum. So using this relation, therefore, in relation this, if x is zero, so we will have a under root se bahar aa jayega. This will be the maximum magnitude of velocity. Ye plus minus, jab hum plus minus dono ho sakte hain. Plus means jo jab right side mein ja raha hai, minus means left. But we are interested in magnitude. Magnitude of maximum velocity will be omega into a. Omega is the angular frequency, a is the amplitude. The amplitude को angular frequency से multiply करते हैं तो maximum velocity मिल जाती है. कहाँ पे होगी? Mean position पे, at mean position. जब pendulum जो होता है ना, जब mean position cross करता है उस समय fastest होता है और extreme position पे जाके रुक जाता है. एक्सट्रीम पोजिशन पे कितना होगा? जीरो. तो दैट पॉइंट वी कैन डू इट हियर व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, तो वी कितना आएगा? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन दिस रिलेशन, ये रिलेशन में. ठीक है, तो होल थिंग विल बिकम जीरो, दैट इज एट एक्सट्रीम. ये एक्सट्रीम पोजिशन at extreme position. V is zero, that is minimum. Common sense से बोल सकते हैं, but you should know maximum की formula भी है, वो भी पता होना चाहिए हमें. All right, maximum का formula भी numerical में काम आएगा अभी. There are two questions in NCERT book. You can note down. And then we can see the relation. Okay, Ashwarya is there. Ashwarya is absent. Ipshita, are you there? No. Okay, both are absent. Note down, then I will give you a question. Noted.
तो इसके क्वेश्चंस देखते कौन से हैं। ये वाला क्वेश्चन है, देखो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। द पिस्टन इन सिलेंडर है, ऑटोमोबाइल में होता है ये, लोकोमोटिव में भी है। द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ द लोकोमोटिव हैज अ स्ट्रोक दैट इज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 मीटर। मीन्स देखो ये ऐसा कुछ है, अगर हम ऐसे सिलेंडर ले लेते हैं, इफ यू टेक द सिलेंडर, ये उसका मैक्सिमम इनवर्ड पिस्टन यहाँ पर है, इसकी लेंथ तो ये उसका, इट ऑसिलेट्स लाइक दिस, ये इतनी लेंथ में ऑसिलेट करता है, ये उसकी मेन पोजीशन यहाँ कहीं पर होगी। इट विल मूव इन एंड आउट लाइक दिस, तो दिस इज होल लेंथ इज कॉल्ड, ये स्ट्रोक बोलते हैं उसको इतना, और मेन पोजीशन ये, तो ए विल बी, दिस विल बी मेन पोजीशन, दिस विल बी ए दिस साइड माइनस ए दिस साइड, तो एम्पलीट्यूड विल बी हाफ ऑफ द स्ट्रोक लेंथ, दैट इज 1 मीटर, 1/2 मीटर। और एंगुलर स्पीड इज गिवन, ओमेगा इज 200 रेडियन पर मिनट है, तो लेकिन इसको हमें क्या चाहिए पर सेकेंड, 200 अपॉन 60 मिनट, मिनट 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, तो ये आपका आएगा 10/3 रेडियन पर सेकेंड। तो व्हाट इज आस्क्ड इज मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स, क्या फॉर्मूला है वी मैक्स का, वी मैक्स का क्या फॉर्मूला है, अभी ऊपर सीखा हमने, देखो क्या फॉर्मूला बनाया था, अरे देर ओमेगा ए, ओमेगा इज 10/3, ए इज 1/2, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। नहीं, इन्होंने क्या किया है, आंसर मीटर पर मिनट में दिया है, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर मिनट में इन्होंने 100/100 दिया हुआ है, विल इट बी देयर, ये पर सेकेंड में है, मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 100 मीटर पर मिनट, यस, बट अवर आंसर शुड बी ऑलवेज इन SI यूनिट, तो मीटर पर सेकेंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, which is equal to 100 per minute, we have done it to cross check whether our answer is right or wrong, इसलिए हमने cross check किया, ठीक है, clear? तो maximum speed is कहाँ पर मिलेगी, mean position पे, यहाँ पर, when it is crossing this side, it will have maximum speed, when going this side, it will have, यहाँ पे जब पहुँच जाएगा बिल्कुल inward journey में जीरो स्पीड हो जाएगी उसकी, और यहाँ पर भी जीरो हो जाएगी, रुकेगा, इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, व्हाट इट, दिस इज योर 14th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, एनी डिफिकल्टी हियर इन दिस, yes, anybody has any doubt here, no response coming, are you there, yes sir. Okay,
डाउट और नो डाउट बोलिए। नो सर, नो डाउट। तो जो पिस्टन का मोशन होता है ना, पिस्टन मोशन इज आल्सो SHM इनसाइड द नॉट ओनली लोकोमोटिव, लोकोमोटिव मीन्स ट्रेन, इन ऑटोमोबाइल आल्सो, इन टू व्हीलर्स, कार, ट्रक, देयर आल्सो पिस्टन एंड सिलेंडर्स आर देयर, दे आर ऑसिलेटिंग, दे आर डूइंग SHM। नाउ पिस्टन में, इसमें मैं बताऊं आपको, देखो ये दे आर डूइंग SHM, उसके एंड में यहाँ पर एक शाफ्ट लगी होती है एंड में, दे आर कर ओके, जस्ट लेट मी शिफ्ट द डायग्राम हियर। देखो पिस्टन के एंड में ऐसे कनेक्टिंग शाफ्ट वी कॉल इट, इट इज कनेक्टेड लाइक दिस, एंड देन व्हेन इट मूव्स अप एंड डाउन दैट शाफ्ट कनेक्ट द ऑसिलेटरी मोशन इन द सर्कुलर मोशन, यू नो रिवर्स हो रहा है इसमें। अभी हमने क्या सीखा था कि सर्कुलर मोशन को हमने SHM, उसके प्रोजेक्शन को SHM में कन्वर्ट किया था ना, तो यहाँ पर SHM हो रहा है और वो एट द एंड ऑफ द पिस्टन रॉड्स आर कनेक्टेड एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू द, देयर इज द डिजाइनिंग पार्ट हियर दैट कन्वर्ट्स द मोशन, ऑसिलेटरी मोशन इनटू द सर्कुलर मोशन, देन दिस सर्कुलर मोशन इज ट्रांसफर टू द व्हील्स इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल एंड ट्रेन, and wheel will roll on the ground or roll on the track, that's how they move, oscillatory motion of the piston converts into the circular motion by the shafts in fitted inside, we call it crank shaft, and uska technical name crank shaft hota hai, so that converts, that help the oscillatory motion to convert into the circular motion or rotational motion, and hence the transmission system rotates and that drive is transmitted to the wheel and wheel will roll on the ground, okay, if sufficient traction is there, got it? So that's how the things are used in day-to-day life. All right, just we have 5 more minutes, let's see. One more question can be done. Now we are seeing the acceleration in SHM. How to get the acceleration in SHM? Boliye. SHM mein acceleration kaise nikala jaye? Velocity ko differentiate. Yeah. Velocity ko differentiate kar denge. Velocity ka function hai apne paas. Ye wala. To isko differentiate kar do. Yahan pe aap kya karo? v की वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएट कर देंगे, v इज a ओमेगा cos ओमेगा t, तो अभी cos का तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन में, और ये जो कांस्टेंट है ये फिर से बाहर आ जाएगा, एक ओमेगा पहले से ही है, एक और बाहर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और cos का साइन ओमेगा t होता तो माइनस साइन ओमेगा t होता, माइनस को आगे शिफ्ट कर दिया, और दिस विल बी रिलेशन फॉर एक्सिलेशन इन SHM। तो अगर इसका ग्राफ ड्रा करें, साइन फंक्शन तो है लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो साइन का ग्राफ प्लस का तो ऊपर से आता है ऐसे, माइनस का नीचे से आएगा ऐसे, एंड मैक्सिमम वैल्यू ये होंगी, जब साइन की वैल्यू वन हो जाए तो यहाँ पे मिलेगा हमें, जब साइन की वैल्यू माइनस वन हो जाए तो प्लस वैल्यू मिलेगी ये वाली, तो एक्सिलेशन का टाइम के साथ साइन नेगेटिव साइन का फंक्शन है, गॉट इट? तो ग्राफ ऐसा आएगा, और डिस्प्लेसमेंट के साथ अभी a sin ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, एक्स है, सिंस a sin ओमेगा टी इक्वल टू एक्स, तो a sin ओमेगा टी को हमने एक्स पुट कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ मिल गया हमें रिलेशन एक्सेलेरेशन का, इसका ग्राफ भी, इसका ग्राफ ड्रा कर सकते क्या? यस वी कैन डू इट, यहाँ पे देखो ग्राफ जो था ना, मैंने अभी उसको छोटा कर दिया था, ये ग्राफ है, कैन यू सी हियर,
okay, recording has come back. Okay. So another relation is a sine omega t को हम लोग x लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए a sin omega t को x लिख सकते हैं. तो another relation is this, उसका graph ऐसे आएगा. Now if we put x is equal to zero, acceleration will be zero. कहाँ पे होगा? मीन पोजिशन पे. और अगर x को हम a पुट कर देंगे एक्सट्रीम पोजिशन पे, एक्सीलेशन इज मैक्सिमम. एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है बट रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाता है. देयरफॉर रिस्टोरिंग एक्सीलेशन इज मैक्सिमम. तो फॉर मैक्सिमम एक्सीलेशन x इज इक्वल टू a एक्सट्रीम पॉइंट पर, और ये आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड जनरली वी आर इंटरेस्टेड, तो माइनस हटा देंगे. माइनस साइन इंडिकेट करता है कि मेन पोजिशन की तरफ एक्सीलेशन है. तो मैग्नीट्यूड में माइनस हटा दिया. एट एक्सट्रीम पॉइंट वी विल हैव मैक्सिमम एक्सीलेशन एंड एट मेन पोजिशन x इज जीरो. जीरो यहाँ पे पुट कर दो तो a विल बी जीरो मेन पोजिशन पर. मेन पोजिशन पर एक्सीलेशन जीरो होता है लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. एंड एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सीलेशन मैक्सिमम होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलेशन इज मैक्सिमम. दोनों अपोजिट है ना. ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया आपके. तो नाउ बेस्ड ऑन दिस आई विल गिव यू वन क्वेश्चन इफ टाइम इज देयर, अदरवाइज वी विल डू इट टुमारो. तो ये आपको दिख रहा है. Done.